वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान, सभी को गुड मॉर्निंग। हम इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के अंदर अभी तक जो बात कर चुके थे वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व थे, उनके बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार पोषक तत्व पाए जाते हैं, पादपों के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनकी अनिवार्यता क्या है, उनकी अनिवार्यता की शर्तें क्या हैं, किस प्रकार उनको हम अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में स्थापित करते हैं, कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनको हमने मात्रा के आधार पर डिवाइड किया है, दो प्रकार से डिवाइड किया है, सूक्ष्म मात्रिक और बृहद मात्रिक पोषक तत्व। इसके अलावा हमने उन विभिन्न पोषक तत्वों को अलग अलग हेडिंग्स के अंदर डिस्कस किया। हमने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर कि पादपों के लिए जो 17 पोषक तत्व होते हैं वो अनिवार्य पोषक तत्व की श्रेणी में रखे गए हैं, जिनको हम दो कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया। एक तो हमने बात की थी बृहद मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में और दूसरी की थी सूक्ष्म पोषक मात्रिक तत्वों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रत्येक पोषक तत्व को डिटेल से समझाया है कि उसका अवशोषणकारी रूप क्या है, उसका उपयोग क्या है पादपों के अंदर, और उसकी न्यूनता के लक्षण क्या हैं, और या फिर उनसे संबंधित रोग क्या हैं, यानी कि उनकी कमी से अधिकता से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो किस प्रकार हो रहा है, कौन सा रोग हो रहा है, उन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बात बताएंगे कि ये जो खनिज पोषक तत्व हैं, ये किस प्रकार पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, इसके लिए कौन सी क्रियाविधि जो होती है वो अपनाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो खनिज पोषक तत्व होते हैं ये पौधों द्वारा कहाँ से लिए जाते हैं, मृदा से लिए जाते हैं। मृदा में क्या होता है, ये खनिज पोषक तत्व विभिन्न यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। अब चूंकि ये यौगिकों के रूप में अवशोषित नहीं होते, उनके आयन्स के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर पोटेशियम आयन के बारे में बात करते हैं तो ये K+ आयन के रूप में अवशोषित होता है। कैल्शियम की बात करते हैं Ca2+ आयन के रूप में अवशोषित होता है। मैग्नीशियम के बारे में बात करती है Mg2+ आयन के रूप में अवशोषित होता है। तो ये अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है मृदा से होती है। किसकी सहायता से होती है, जड़ों की सहायता से होती है। हमने ये भी बताया आपको कि जड़ जो होती है उनका जो अग्रभाग होता है उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। एक तो मूल शीर्ष भाग बताया था हमने, एक या जिसे हम क्या कहते हैं विभुजतक क्षेत्र कहा गया था, इसके एक दीर्घीकरण क्षेत्र बताया था हमने, और तीसरा जो हमने बताया था वो परिपक्वन क्षेत्र बताया था। यानी कि मूल शीर्ष जो होता है जो कि जल अवशोषण क्रिया में भाग लेता है, खनिज लवण के अवशोषण में भाग लेता है, उसके तीन पार्ट बताए थे संरचनात्मक दृष्टि से। स्ट्रक्चरली बिहाफ पर हमने तीन पार्ट बताए थे। एक तो हमने बात की थी विभुजतक क्षेत्र की, मेरिस्टेमेटम रीजन की, दूसरी बात की हमने एलोंगेशन क्षेत्र की, दीर्घीकरण क्षेत्र की, और तीसरी जो बात की थी हमने वो की थी परिपक्वन क्षेत्र की। तो ये जो यहाँ पर इस मूल शीर्ष पर कुछ रोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एक रोम के समान संरचनाएँ पाई जाती हैं, एक कुछ की संरचनाएँ पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं मूल रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल रोम कहते हैं। इन मूल रोमों की सहायता से ही मृदा के अंदर जो उपस्थित जल होता है, मृदा के अंदर उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं उनका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो अवशोषण की प्रक्रिया है पादपों के अंदर दो प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। यानी कि हम कह सकते हैं अवशोषण की जो क्रियाविधि है पादपों के अंदर वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है निष्क्रिय अवशोषण प्रक्रिया और एक होती है सक्रिय अवशोषण प्रक्रिया। हम बात करेंगे सबसे पहले निष्क्रिय अवशोषण प्रक्रिया की। किसके बारे में बात करेंगे, निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है, जो पादपों की जड़ों द्वारा यानी कि मूल रोमों द्वारा जो खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है जल के साथ होता है। किसके साथ होगा, जल के साथ होगा, और सांद्रता प्रवणता के आधार पर होगा, रासायनिक सांद्रता प्रवणता के आधार पर होगा, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। इस प्रकार के अवशोषण में क्या है, इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं, निष्क्रिय अवशोषण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर खनिज लवण और जल का क्या होता है, परिवहन होता है। चूंकि इस प्रक्रिया के अंदर क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। अब इस निष्क्रिय अवशोषण के लिए भी हमारे पास दो तीन सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ बात की निष्क्रिय अवशोषण के लिए, एक तो है संहिती प्रवाह परिकल्पना है, मास फ्लो हाइपोथेसिस है। कौन सी हाइपोथेसिस है, संहिती प्रवाह परिकल्पना। संहिती प्रवाह परिकल्पना जो है हाइलेमो ने दिया है। इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन जो बल लगता है ना, हमने ये भी बताया आपको कि पत्तियों से क्या है, जल का वाष्प रूप में बाहर निकलना होता है,
और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहा। और इस वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण क्या होता है, जल के अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल लगता है, खिंचाव बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल कहते हैं। और इस वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल के कारण क्या होता है, जो जल जो होता है, जल के साथ खनिज लवण भी क्या होते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर एसेंट ऑफ सैप की सहायता से क्या है, पत्तियों तक पहुँचते हैं, यानी कि सिंक तक पहुँचते हैं। सिंक नहीं है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यूटिलाइजेशन क्षेत्र तक पहुंचते हैं, जहां पर कि उनका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो यहां हमने बात की थी निष्क्रिय अवशोषण के बारे में। तो निष्क्रिय अवशोषण की खास बात यह है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यहां पर जो खनिज लवणों का जो प्रवाह होगा वो सांद्रता, रासायनिक सांद्रता प्रवणता या रासायनिक सांद्रता विभव प्रवणता के आधार पर होगा, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। इसको समझाने के लिए दो तीन सिद्धांत है, जैसे संहिति प्रवाह परिकल्पना हाइलो में दी है। वो ये कहता है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे जैसे जल खिंचता है वैसे वैसे उसके साथ खनिज लवण भी क्या होते हैं, पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। दूसरी परिकल्पना दी है, आयन विनिमय परिकल्पना दी है, आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस दी गई है। आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस क्या कहती है कि झिल्ली के आर पार जब खनिज आयनों का परिवहन होता है तो वो क्या है, आयन विनिमय के सिद्धांत पर होता है। यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं झिल्ली के दोनों ओर खनिज आयनों का जो आवेश होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं मृदा से खनिज आयन होते हैं, जो कि खनिज आयन जो कि धनायन या ऋणायन हो सकते हैं, वो धनायन या ऋणायन क्या करते हैं, झिल्ली से पार करके बाहर से अंदर की ओर आते हैं, कोशिका द्रव के अंदर समान मात्रा में आयनों का प्रवाह होता है। अगर धनायन प्रवेश कर रहे हैं तो ऋणायन बाहर निकलेंगे, ताकि क्या है, बैलेंस की प्रक्रिया बनी रहे। तो ये हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड है। तीसरी जो विधि हमारे पास डोनेन साम्यवता सिद्धांत है। डोनेन साम्यवता सिद्धांत क्या बोलता है, डोनेन साम्यवता स्थिर आयनों पर आधारित है। किस पर आधारित है, स्थिर आयनों पर आधारित है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ आयन जो होते हैं झिल्ली को आर पार नहीं जा सकते, लेकिन आयन के संतुलन के लिए क्या किया जाता है, अन्य आयन क्या करते हैं, उस बैलेंस बनाए रखने का कार्य करते हैं। यानी कि एक आयन अगर झिल्ली के पार जा रहा है या नहीं जा पा रहा है तो, और एक तरफ आयनों की संख्या ज़्यादा हो गई है, धनायन की संख्या ज़्यादा होगी या ऋणायन की संख्या ज़्यादा होगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए विपरीत साइड से क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता है। चूँकि इस प्रक्रिया के अंदर क्या सांद्रता प्रवणता के विपरीत कार्य होता है, इसलिए इसका महत्व है। यहाँ पर क्या है, आयनों का जो प्रवाह होता है वो क्या है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है आपको वर्बली, अब थोड़ा सा हम इनको रिटर्न में बताते हैं। सबसे खास बात होती है खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि से पहले, सबसे पहले बात करते हैं जो खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं, खनिज लवण ये कहाँ होते हैं, मृदा में उपस्थित, मृदा में उपस्थित। ठीक, अवशोषण क्या होता है, अवशोषण किसके द्वारा होता है, जड़ों द्वारा, किसके द्वारा होता है, जड़ों द्वारा। अवशोषणकारी रूप क्या होता है, अवशोषणकारी वो होते हैं आयन्स। अवशोषणकारी रूप क्या होता है, इनके आयन्स। ठीक है, कहाँ होते हैं खनिज लवण, मृदा में उपस्थित होते हैं। किसके द्वारा अवशोषित होते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं। हमने जड़ों के बारे में आपको बताया था मूल शीर्ष के, यहाँ बात जड़ का कौन सा पार्ट भाग बात करें, मूल शीर्ष। और मूल शीर्ष के अंदर हमने बात की थी, एक तो बात की हमने विभियोजतक क्षेत्र की, दूसरा हमने बात की थी दीर्घीकरण क्षेत्र की, और तीसरी बात की थी परिपक्वन क्षेत्र की। ये जो परिपक्वन क्षेत्र होता है इस पर क्या पाया जाता है, मूल रोम। क्या पाया जाता है, मूल रोम पाया जाता है, रूट हेयर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, रूट हेयर। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण क्रिया। किन के द्वारा होता है अवशोषण, मूलरोम के द्वारा अवशोषण क्रिया होती है। अब जो हमारे पास ये क्रिया विधि, अवशोषण की क्रिया विधि, अवशोषण की क्रिया विधि, ये दो प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होता है निष्क्रिय अवशोषण,
निष्क्रिय अवशोषण और एक होता है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण इसको बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन और इसको बोलते हैं एक्टिव ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले निष्क्रिय अवशोषण की। किसकी बात करेंगे? निष्क्रिय अवशोषण। किसके बारे में बात करेंगे? निष्क्रिय अवशोषण। खास बात है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। यहां पर खनिज लवणों का जो प्रभाव होगा वो सांद्रता प्रवणता रासायनिक सांद्रता प्रवणता विभव के आधार पर होगा। खनिज आयनों का प्रवाह रासायनिक सांद्रता विभव प्रवणता के आधार पर। मतलब क्या है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मतलब क्या है इसके अंदर? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होगा? खनिज आयनों का प्रभाव होगा। किसके साथ? जल के साथ। जल के साथ साथ किसके साथ साथ होगा? जल के साथ साथ। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि इस निष्क्रिय जो अवशोषण प्रक्रिया है, इस निष्क्रिय अवशोषण प्रक्रिया को समझाने के लिए तीन प्रकार के सिद्धांत दिए गए। कितने प्रकार के सिद्धांत दिए गए? तीन प्रकार के सिद्धांत। उन तीन प्रकार के सिद्धांतों को हम बात कर रहे हैं यहां पर निष्क्रिय अवशोषण के लिए। कितने प्रकार के सिद्धांत दिए गए? तीन। नंबर वन है संहिति प्रवाह परिकल्पना, बोले तो मास फ्लो हाइपोथीसिस। और दूसरी परिकल्पना है हमारे पास, वो है हमारे पास आयन विनिमय परिकल्पना। आयन विनिमय परिकल्पना बोले तो आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस। आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस। और तीसरी जो हमारे पास है डोनेन इक्विलिब्रियम, डोनेन साम्यावस्था। डोनेन साम्यावस्था परिकल्पना हाइपोथेसिस ठीक है। अब वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संहिति प्रवाह परिकल्पना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संहिति प्रवाह परिकल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। संहिति प्रवाह परिकल्पना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये परिकल्पना किसने दी है। हाइलोमो द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई है? हाइलोमो द्वारा दी गई है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? पहला पॉइंट तो हो गया कि किसने दी है परिकल्पना, हाइलोमो द्वारा दी गई है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर कि वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के प्रभाव में, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के कारण, खिंचाव के कारण खनिज आयन, खिंचाव के कारण खनिज आयन जो होते हैं वो जल के साथ,
जल के साथ क्या होते हैं, जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। किसकी सहायता से, आकर्षण या खिंचाव के कारण। आयन जो होते हैं किसके साथ, जल के साथ। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, मात्रात्मक प्रभाव होता है इसके अंदर, क्या होता है, मात्रात्मक प्रभाव। मात्रात्मक प्रभाव मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब बोले तो हाई सांद्रता टू लो सांद्रता, लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या है हमारे पास, संहिति प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्या कहती है कि वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के कारण क्या होता है, जो खनिज लवण जो होते हैं, खनिज आयन्स होते हैं, वो जल के साथ मात्रात्मक प्रभाव के प्रभाव में, मात्रात्मक प्रभाव के कारण क्या होते हैं, जल के साथ पत्तियों तक पहुंचते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं, जड़ों द्वारा क्या किया जाते हैं, वो ग्रहण किए जाते हैं। और किसने दी ये परिकल्पना, हाइलोमे ने दिया। किसने दिए, हाइलोमे ने ये परिकल्पना दी है। दूसरी परिकल्पना हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज मेथड या आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस। दूसरा जो हमारे पास निष्क्रिय अवशोषण की जो क्रियाविधि में जो सिद्धांत दिया गया है, वो हमारे पास आयन विनिमय परिकल्पना या सिद्धांत बोल सकते हैं इसको, आयन विनिमय सिद्धांत या परिकल्पना। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है खास बात, इसके अंदर जो खनिज आयन जो होते हैं वो मृदा से अवशोषित होते हैं। किससे अवशोषित होते थे, खनिज आयन मृदा द्वारा, मृदा से अवशोषित, खास बात। कोशिका झिल्ली में बाहर से विनियमित होते हैं, बाहर से क्या होते हैं, विनियमित होते हैं, एक्सचेंज होते हैं बाहर से, है ना। और बात यह है यहाँ पर आयनों का जो विनिमय होता है, आयनों का विनिमय केवल समान आयनों के मध्य होता है। केवल कैसा होता है, समान आयनों के मध्य होता है। यहाँ पर निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है, कैसा होता है, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। माना ये कोई झिल्ली है, ये मृदा है और ये कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर मास पर क्लोरीन है, Na प्लस है, Ca2 प्लस है, K प्लस है, इस प्रकार है, मैग्नीशियम आयन है, तो ये आयन्स है हमारे पास। अब यहाँ जो होगा क्या होगा, यहाँ से ये आयन क्या होंगे, विनियमित होंगे। ठीक, किस में आएंगे, कोशिका के अंदर आएंगे। अब कोशिका से फिर कोशिका में जाएंगे, ये किस में जाएंगे, कोशिका में। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास Cl का अभाव है, यहाँ Cl पाया जा रहा है, यहाँ हमारे पास Na प्लस है, जैसे OH माइनस है, तो ये तो क्या है, ये क्लोरीन आयन तो इधर आ जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो विनिमय की जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसे, समान आयन के रूप में हो रही है, समान यानी कि समान धनायन के रूप में, समान ऋणायन के रूप में हो रही है। यहाँ पर अगर मान लें यहाँ Na प्लस है या K प्लस है, तो ये तो इधर जाएगा और ये किधर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। देखिएगा दोबारा से गौर करो, आयन एक्शन जो मेथड है वो क्या करती है, समान आयन्स वाले पोषक तत्वों के मध्य होती है। अब यहाँ पर यह धनायन, ये धनायन Na प्लस,
ये क्या है धनायन एन ए प्लस, और इधर क्या है ये सी एल माइनस। अब यहां से अगर धनायन इधर जाएगा तो सी एल क्या आएगा, इधर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई यहां पर धनायन की कमी हो जाएगी, तो क्या है हमारे पास, ये देखो दोबारा से, ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन का विस्थापन कहाँ हो रहा है, क्लोराइड का शिफ्ट कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है कोशिका के पार। जब ये क्लोराइड आयन इधर आएगा तो क्लोराइड आयन आने के कारण ऋणात्मक आवेश बढ़ जाएगा ना इधर। अब ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसको संतुलित करने के लिए क्या होगा, OH- आयन इधर जाएंगे तभी तो संतुलित होगा। इसी प्रकार मान ले हमारे पास ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन इधर है और पोटेशियम आयन इधर है। अगर सोडियम आयन इधर आ गए तो फिर सोडियम आयन ये और पोटेशियम आयन ऑलरेडी है, पहले से धनायन धनायन आएगा तो धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो धनायनों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, वापस धनायन एक जाएगा इधर। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे पास किसका क्या कहलाती है, आयन एक्सचेंज मेथड कहलाती है। क्या कहलाएगी, आयन एक्सचेंज मेथड, यानी कि आयनों का जब परिवहन होगा वो समान आवेश वालों के मत होगा। किसके मत होगा, समान, चाहे वो धनायन धनायन हो या ऋणायन ऋणायन हो, ठीक है। लेकिन आवेश की मात्रा कैसे होगी, समान होगी। यहाँ पर जो आयन विनिमय हो रहा है वो क्या है, वो आयन क्या है, गतिशील आयन है, झिल्ली के आर पार दोनों तरफ आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मेथड होती है उसे कहते हैं आयन विनिमय विधि कहते हैं। यहाँ चूंकि सोडियम आयन की संख्या ज़्यादा है, इस कारण सोडियम आयन इधर जा रहे हैं। अब इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम आयन क्या हो गए, धनायन बढ़ाएंगे, तो धनायन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम आयन इधर आ जाएंगे कोशिका से बाहर की तरफ, ठीक है। तीसरा जो मेथड है हमारे पास, दोनन साम्यता मेथड, दोनन साम्यवस्था मेथड। तीसरा जो निष्क्रिय परिवहन का जो बात करते हैं, निष्क्रिय क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं, वो है दोनन साम्यवस्था। तीसरी दोनन साम्यवस्था परिकल्पना, दोनन साम्यवस्था परिकल्पना। ये डोनेन साम्यवस्था परिकल्पना जो है वो किसने दी है, डोनेन ने, डोनेन ने प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की है, डोनेन ने प्रस्तुत की है। कब की है, 1927 में। कब की है ये प्रस्तुत है, 1927 में। और खास बात ये है कि ये अविसरणशील या स्थिर आयनों पर आधारित है, यह अविसरणशील या स्थिर, या स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित, किस पर आधारित है, ये अविसरणशील या स्थिर आयनों के आधार। मतलब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि झिल्ली के आर पार जो आयनों का स्थानांतरण होता है ना, तो कुछ आयन्स जो होते हैं झिल्ली को पार नहीं कर पाते, लेकिन साम्यवस्था स्थापित करना जरूरी होता है। तो उसको साम्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए क्या है, अलग दूसरे आयन्स होते हैं, वो संख्या में आयन के रूप में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे झिल्ली पार मान लें हमारे पास, यहाँ कैल्शियम आयन 2+ आयन है, ठीक है ना, और इधर हमारे पास बैलेंस के लिए हमारे पास यहाँ क्या कह सकते हैं हम, यहाँ K+ भी है और Na+ भी है, और इधर बात करें हम यहाँ पर Cl- है, Cl- वगैरह है, OH- वगैरह वगैरह है। इस तरह से ये बात चल रही है यहाँ पर। और भी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ SCO3- है, इस प्रकार के आयन्स है। अब बैलेंस अवस्था है यहाँ पर, अगर ये कैल्शियम आयन जो है हमारे पास, ये इधर मूव नहीं कर पाता, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, कैल्शियम आयन इधर नहीं जा पा रहा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, समान मात्रा में क्या होने चाहिए, आयन्स होने चाहिए। तो ये क्या करेंगे भाई, कैल्शियम ना जाएगा तो क्या किया जाएगा, K+ तो चला जा सकता है, Na+ तो जा सकता है, और K+ Na+ है, K+ है, Na+ है, इस प्रकार के आयन चले जाएंगे। तो हमारे पास ये ओवरऑल जो आयन्स हैं, माइनस वाले कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो प्लस वाले भी कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर दो पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कैल्शियम आयन चला जाएगा। अब कैल्शियम आयन चला जाएगा तो दो सोडियम और एक कैल्शियम आयन क्या करेगा, 4 धनायन बनाया, 4 धनायन और 4 ऋणायन है, तो ये हो गया ना बैलेंस झिल्ली के इधर।
और इसी प्रकार इधर देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास कितना है भाई, जैसे ये कैल्शियम आयन है चार, क्या हमारे पास धनायन है, तो ऋणायन के लिए हमारे पास क्या है एस सी ओ थ्री माइनस या थ्री माइनस या फिर सी ओ थ्री टू माइनस, ठीक है ना, या सी एल माइनस, इस प्रकार के क्या है हमारे पास यहाँ, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या है, उसी प्रकार उसी उतनी मात्रा में क्या पाए जाते हैं ऋणायन पाए जाते हैं धनायन को कंट्रोल करने के लिए। तो कुल मिला के डोनेन साम्यावस्था क्या कहती है, ये ऐसे आयनों के प्रवाह को समझाने का कार्य करती है जो आयन झिल्ली से पार नहीं जाते, यानी कि अविसरणशील होते हैं, तो उन अविसरणशील की सांद्रता को उनके धनायन इक्विलिरियम या ऋणायन इक्विलिरियम को स्थापित करने के लिए एक से अधिक जो पोषक तत्व हैं वो आयन्स के रूप में झिल्ली पार कर जाते हैं, ताकि बराबर मात्रा में क्या है धनायन और ऋणायन की मात्रा बनी रहे। ये है हमारे पास इसमें डोनेन साम्यावस्था में। चूँकि यहाँ पर सांद्रता प्रवणता के विपरीत कार्य होता है, क्यों होता है विपरीत कार्य, कैल्शियम आयन यहाँ पर हमारे पास मान लें यहाँ कैल्शियम आयन क्या है एक ये, और यहाँ कैल्शियम आयन जा रहा है, और यहाँ कैल्शियम आयन मान लें बहुत ज़्यादा हूँ, और फिर भी उसको काउंटर करने के लिए क्या हमारे पास कैल्शियम आयन इधर जा रहा है, तो यहाँ पर सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम हो रहा है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के न जाकर क्या होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भी कुछ धनायन या ऋणायन क्या करते हैं प्रवेश करते हैं, ताकि झिल्ली के आर पार धनायन और ऋणायनों की संख्या कैसी हो बराबर हो, या कोशिका द्रव के अंदर जो आयनों का जो संतुलन है वो कैसा हो बराबर बना रहे। तो यहाँ पर हमने ये बात की है भाई डोनेन साम्यावस्था परिकल्पना के आधार पर कि ये साम्यावस्था परिकल्पना किसने दी है, डोने ने दी है 1927 में दी है। खास बात है ये अविसरणशील या स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित है, जो आयन झिल्ली पार नहीं कर पाते उनको संतुलित करने के लिए अन्य आयन उतनी ही मात्रा में धनायन या ऋणायन युक्त संचरण करते हैं, ताकि उनकी साम्यावस्था को बनाए रख सकें। तो इस प्रकार खनिज आयनों के अवशोषण की या खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि की हमने बात की, और उसमें जो निष्क्रिय अवशोषण है उसके तीन सिद्धांत दिए थे हमने। कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, पहला सिद्धांत हमारे पास संहिति प्रवाह परिकल्पना, दूसरा आयन विनिमय सिद्धांत, और तीसरा से जो सिद्धांत है वो है हमारे पास डोनेन साम्यावस्था सिद्धांत। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, ओके।